आदिवासी ग्राम सिरवेली क्षेत्र सहित आसपास एक दर्जन से अधिक ग्रामों में पशुओं पर बेतहाशा बीमारी का प्रकोप बना हुआ है, जिससे पशुओं की मौत एक के बाद एक लगातार हो रही है और इसी बीमारी के चलते क्षेत्र में पशुपालकों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। बीमारी के चलते उपचार सुविधा में कोई भी साधन नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि सिरवेल के पटेल फालिया में एक आदिवासी पशुपालक पंडिया किराड़े के यहाँ पर एक ही रात में एक के बाद एक दो कीमती बैलों की मौत हो गई। लाल सिंह कोड़े ने बताया कि समय रहते बीमारी की रोकथाम नहीं की गई तो अन्य पशु भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा ग्राम सिरवेल सहित ग्राम नांदिया, आंबा और साथ ही में उमरिया और गोंटिया सहित कई ग्रामों में पशुओं पर बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। दो बैलों की मौत व पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर भाई सिंह डावर ने बताया कि यह लंपी स्किन व निमोनिया कंडीशन की बीमारी है और इसकी मेडिसिन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बाहर से जल्द ही मेडिसिन बुलवाकर पशुओं का उपचार किया जाएगा। ये चार पाँच दिन से पहले बीमार हुए, जैसे फुंसियाँ होना आ गई शरीर पे, और मैं डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने इलाज कराया, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। तो जो फुंसियाँ हो गई थी उसमें ब्लेड होना चालू हो गया था, तो बंद रहने का मतलब बंद रहने का नाम ही नहीं लिए। तो फिर उसके बाद इलाज करवाते रहे, हो जाएगा करके ना अभी तक कहीं इलाज ही नहीं हुआ। उसके बाद में रात को अचानक इसकी तबीयत बिगड़ी, एक तो मतलब 5-1 बजे ख़त्म हो गया, फिर रात को 3-1 बजे एक बैल और शांत हो गया। कितने की जोड़ी है ये? कम से कम है 1 लाख के समथिंग। और बीमारी आसपास फैलिया में चल रही? आसपास फैले में तो भयंकर ही है। मैं कई दिनों से कलप रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जा रहे और इलाज करवा रहे हैं, तो वो भी परेशान है बेचारे। हमारे फैले में इतने बीमारी फैल गई है कि बहुत सारी फैल गई, क्योंकि इलाज सही ढंग से हो नहीं रहा और सुधार आ नहीं रहा है, इस वजह से बीमारी फैलती जा रही है। इस मामले में डॉक्टर लोगों को सूचना दी गई? डॉक्टर आते हैं और देख के न इंजेक्शन लगा के न वापस चले जाते हैं। उनको क्या इतना नॉलेज है नहीं, अब ये क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे इलाज सही ढंग से होता नहीं। बीमारी तो अभी ऑल ओवर इंडिया में ही चल रही है, एक लंपी स्किन डिजीज चल रही है, तो उसके लिए अभी वैक्सीन तो आई नहीं है अपने यहाँ पे, तो वैक्सीनेशन तो नहीं हो पाया है। बाकी ट्रीटमेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट चलता है वो चला रहे हैं, उससे काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है पूरे फील्ड में अपने इधर, ये सिरवेल हॉस्पिटल में जितना भी आता है उसमें। और बाकी तो दूसरी अभी और बीमारी बीच में, अभी मौसम ख़राब था उस वजह से कुछ निमोनिक कंडीशन मिल रही है जानवरों में, उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और बाकी अभी दूसरी तो नहीं मिल रही है। सर अभी आपने जो दो बैल कीमती मृत हुए हैं PM करवाया है, क्या देखने को मिला इसमें? अभी निमोनिक कंडीशन भी लग रही थी इसलिए हमने एग्जामिनेशन किया, और उसमें अभी लीवर सिरोसिस है, हमने अभी एग्जामिनेशन करके देखा तो लीवर पूरा ख़त्म हो चुका है, तो ये लीवर सिरोसिस की वजह से इनकी डेथ हुई। सर अभी अन्य फालियों में इधर गांव के अंदर भी इसी तरीके की बीमारी का प्रकोप है, पशु विभाग क्या इसके अंदर क्या उपचारात्मक क्या है? हमें जहाँ जहाँ से जानकारी मिल रही है वहाँ से हम लोग जैसे टीम है या जैसी भी व्यवस्था यहाँ बन पाती उस हिसाब से जाके हम उनकी सहायता करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, और कभी ज़्यादा ही हमारे से नहीं हो पा रहा ऐसा हो तो हम रेफर भी कर देते हैं आगे ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में रेफर कर देते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भगवानपुरा से विनोद जायसवाल की रिपोर्ट।